जिस तरह से चिराग मुझसे बात कर रहा था, जिस तरह से उसने कहा that he loves me, मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मुझे डर लग रहा है कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना करते। जय को देखकर जलन हुई, तब रियलाइज हुआ बेवकूफ को। अब क्या करें? एंगेजमेंट तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे पापा का नाम खराब हो। अरे मेरी बहन, एंगेजमेंट तो फिर भी आसानी से टूट जाएगी। मेरा सवाल ये है कि एंगेजमेंट टूटने के बाद काका तेरी शादी चिराग से करवाएंगे क्या? तो फिर तब की तब देखी जाएगी। सबसे पहले तेरी एंगेजमेंट टूटनी होगी। जय एक्सिट करेगा तभी तो चिराग की एंट्री होगी। भाई आज उसने कहा उससे डर तो लगा पर थोड़ी हिम्मत भी आई कि चिराग मेरा साथ नहीं छोड़ेगा चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए। ए सुशी, माँ पुद्रा को लगता है कि पुष्पा के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। वो इंस्पेक्टर राणे दिलीप और पुष्पा के साथ इधर आया है, सादे बेस में और कुछ हवालदार के साथ। और पुष्पा झूठ बोल रही है कि भास्कर ने उसे इनवाइट किया है। और अभी देख, राणे हवालदारों के साथ पुष्पा के घर में है और पुष्पा अपने परिवार के साथ इधर फंक्शन में। और उस नपावट दिलीप को देख, देख देख कैसे पुष्पा के घर की ओर देखे जा रहा है। मापोत्रा को डाउट है कि दिलीप के लैपटॉप की चोरी के साथ पुष्पा का कुछ कनेक्शन तो नहीं। हाँ, पुष्पा उस लड़के पकिया को जानती है ना, तो हो सकता है कि पुलिस को पुष्पा पे डाउट हो। अरे होगा कुछ काम पुष्पा से, मैं बाद में पूछ लूंगी उसको। और आप भी ना अपनी कल्पना शक्ति के घोड़ों को जरा लगाम दो। अरे कहाँ का कनेक्शन कहाँ से छोड़ देते हो? अरे दिलीप के लैपटॉप का पुष्पा के साथ क्या लेना देना? चोर है अपनी पुष्पा, चोर है। चुप। नहीं ना, चलो अभी आप ये थोड़ा नहीं अपने कल्पना शक्ति के घोड़ों को और थोड़ा। गीता, पुष्पा जी को बोलो कबड़ की चाबी देने के लिए। जाओ। सर, ये वही लैपटॉप है। चिराग और प्रार्थना की बात हुई, दोनों साथ में रहना चाहते हैं। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का टाइम आ गया है। बस मेरे लिए इतना जानना काफी है। मेरा वादा है तेरी बहन प्रार्थना की शादी मेरे बेटे चिराग से ही होगी। बापोतरा देख लेंगे उसे। चल। हाँ
मिस्टर दिलीप पटेल, क्या ये लैपटॉप आपका है? जी इंस्पेक्टर साहब, ये लैपटॉप मेरा ही है। गुड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आप सब जानते हैं कि मेरा लैपटॉप चोरी हो गया था, जो इंस्पेक्टर राणे को मिल गया पुष्पा के घर से। मेरा शक सही था। पुष्पा जी, आपको लैपटॉप के चोरी के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। सर, ये रहा रतन कंप्यूटर वाला। सर देख लीजिए, ये आपका लैपटॉप है कि नहीं? ये हमारा ही है। मैं सबूत दे देता हूं। ये देखिए सर, मेरा फैमिली वॉल पेपर। बस तो ये फिर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दोनों लैपटॉप एक जैसे दिखते हैं, जिसके कारण ही गलती हुई है। ये सब कैसे हुआ? सर, ये लड़की आई थी कलेक्ट करने लैपटॉप, गलती से कोई दूसरा लैपटॉप दे दिया होगा इंस्पेक्टर साहब। दूसरा लैपटॉप? वो कहाँ से है? हम पुराने लैपटॉप सस्ते रेट में खरीदते हैं, उसमें फिर कुछ मरम्मत करके अच्छे दाम पे बेच देते हैं। कोई आया था बेचने के लिए, लेटेस्ट मॉडल है इसलिए अच्छे रेट पे ले लिया। चेक करना चाहिए ना बिल, इनवॉइस, लैपटॉप उसका था क्या चोरी का था, कैसे पता चलेगा? अपने फायदे के लिए तुम दूसरों को परेशान करते हो, आइंदा याद रखना, दोबारा नहीं होना चाहिए, समझे? चल निकल। सर ये पकिया। असली नाम क्या है तेरा? उम्र कितना है? क्या प्रकाश, 17 साल का हूं मैं। जुवेनाइल का केस बनता है, है? बता ये सब कैसे और क्यों किया? सब मैंने जानबूझ के नहीं किया साहब। कब मेरी छोटी बहन हॉस्पिटल में थी, उसके इलाज के लिए साहब मैंने किया। अगर मैं पैसे नहीं देता साहब तो वो नहीं बच पाती। साहब मैंने मजबूरी में किया साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब। मिसेज दीप्ति, आप जा सकती है। और हाँ, अपने एडवोकेट को आने से मना कर दीजिए, कोई लीगल पेपर वर्क नहीं बनता। इंस्पेक्टर साहब, पकिया ने जो कुछ भी बोला ना वो सब सच है। मैं जानती हूँ उसे बहुत खुददार, मेहनती और अच्छा लड़का है। वो तो बस बचड़े की बहन बीमार थी इसलिए उसको चोरी करनी पड़ी, उसका इरादा गलत नहीं था। देखो मैडम, चोरी तो चोरी होती है। सब बिना इलाज के मेरी बहन मर जाती साहब। सब हमारा रहने का ठिकाना नहीं है, सब हम अस्पताल के पैसे कहाँ से लाते? सब मुझसे गलती हो गई साहब, वो लैपटॉप देकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मौका देखते चुरा लिया। आप कर दीजिए साहब, ये पहली बार साहब मैंने चोरी की है। मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैं अपना मेहनत का कमाता हूँ साहब। माफ कर दीजिए साहब, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मिस्टर पटेल, आप अगर केस वापस लेते तो हम इसे छोड़ सकते हैं। जुवेनाइल का केस बनेगा, रिमांड होम में जाएगा, पर फिर क्या पता क्या सीखकर वहां से निकलेगा। मेरा लैपटॉप मुझे मिल गया है, इतना बहुत है, पर इसे चोरी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मनीष, दीपू, चल। मॉम, मैं आपके साथ। बेटा और क्या देखना और क्या सुनना बाकी रह गया है यहाँ पर हमारा?
as it is. This is all a bloody mess. Let's leave. Manish bhai. अगर मैं चाहूँ ना तो मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने के लिए तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन हर बात पर नौटंकी करना मैं जरूरी नहीं समझती। तुझे मिल गया ना तेरा लैपटॉप, अभी पक्या के खिलाफ कंप्लेन वापस खींच ले, क्योंकि चोरी का दाग कितना बड़ा धब्बा होता है ये तू अच्छे से जानता है। क्यों इस बचाने की जिंदगी खराब कर रही है? इसे सौदा बोल तो सौदा, बिनती बोल तो बिनती। इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। आई डोंट वॉन्ट टू लॉज एन अफेयर। हवलदार छोड़ दे उसे, जाऊं दे तेरा। थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच साहब। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।